नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने एक नया अपडेट देने के लिए ये वीडियो बनाया है। कुछ टाइम पहले मैंने टर्की का वीज़ा अप्लाई किया था, जो मेरा वीज़ा आ चुका है। तो ये देखिए, ये वीज़ा है टर्की का, और इसके लिए मैंने खुद ही अप्लाई किया था और 2 दिन में ही मेरा वीज़ा जो आ गया था। तो इसके लिए बहुत प्रोसेस बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो अगर चाहें तो अच्छे से आप अप्लाई करके तो आराम से आप वीज़ा ले सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट हैं वो नॉर्मली जो मेरे डॉक्यूमेंट लगे हैं उसमें से जो मेरे काम के थे, जो मेरी दुकान है तो उसके डॉक्यूमेंट लगे हैं। तो और 3 महीने की मैंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है, पहले तो आपका पासपोर्ट है जो 6 महीने वैलिड होना चाहिए और उसके 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए, ठीक है। तो और उसके साथ जो इसका जो फ़ोटो का स्पेसिफिकेशन है वो 2.5 इंचेस बाय 2.5 इंचेस है, ये याद रखना दोस्तों। और इसका जो एप्लीकेशन सेंटर है वो दिल्ली में गेटवे के थ्रू होता है, जी हाँ। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और साथ में जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर आपका, एक तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रूफ चाहिए, उसकी 3 महीने की स्टेटमेंट चाहिए, आपका सेविंग अकाउंट की 3 महीने की स्टेटमेंट चाहिए। मेरे अकाउंट में 80,000 रुपया बैलेंस था, तो और मेरा अकाउंट अच्छा चल रहा है तो बैलेंस शीट मेरी बढ़िया बन जाती है। मैं ट्रैवलर भी हूँ और मैं घूमता भी रहता हूँ, मैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, रशिया वगैरह में पहले घूम चुका हूँ। और इसके साथ प्रोसीजर ही ईजी है, आपको दिल्ली जाकर इसका अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आपको गेटवे से अपॉइंटमेंट लेकर आप दो दिन में आपका अपॉइंटमेंट आ जाता है और आप दिल्ली जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा झंझटदार नहीं है, अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो ईजी है। और अभी वीज़ा प्रोसेस बहुत फास्ट है और वीज़े बहुत ही मिल रहे हैं। तो ये देखकर मैं तो यही कहूँगा भी आपको किसी एजेंट वगैरह से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो मेरा टोटल खर्चा आया है सभी कुछ डालकर, मेरा दिल्ली में आने जाने का खर्चा भी डालकर, मेरा टोटल तक मेरे 93,100 रुपये खर्चा आया है टोटल। तो आप अगर दिल्ली के पास के हैं तो आपका वो भी खर्चा बच जाएगा, अगर दिल्ली से ज़्यादा दूर हैं तो थोड़ा और खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी सैलरी स्लिप और NOC ज़रूरी चाहिए। और इसका जो फॉर्म है आपको वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना है और इसे आपने अपने हाथों से ब्लॉक लेटर में काले और ब्लू पेन से, काले जहाँ ब्लू पेन से आपको भरना है। इसका थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। अभी के लिए आपको कोई भी फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
और उसके साथ कोई ट्रैवल इंश्योरेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको एक सिंपल आइटर्नी डे बाय डे कितने दिन के लिए जाना है, कब जाने का प्लान है, वो आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ आपका, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका एनओसी लगेगा, और कंपनी के आपके खुद के एक सिंपल पेज पर आप टोटल आइटर्नी बनाकर आप सेल्फ रजिस्टर करेंगे। तो इतना ही था दोस्तों। तो वीज़ा बहुत ही आसान है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और अभी वीज़े खुले हुए हैं, बढ़िया मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वीज़ों के लिए। थैंक्स, ओके, बाय बाय।